दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द पर्ल। इसको लिखा था एक अमेरिकन ऑथर नोवेलिस्ट जॉन स्टाइनबेक ने 1944 में कैलिफोर्निया में, और 1947 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये एक्चुअली नोवेल नहीं है बल्कि एक नोवेला की फॉर्म में लिखी गई है, और जब इसको लिखा गया था तब मॉडर्निस्ट पीरियड चल रहा था। मॉडर्निस्ट नोवेल है ये, और इसको 1947 में पब्लिश करवाया गया था। इसकी सेटिंग रखी गई है कैलिफोर्निया में, और पॉइंट ऑफ व्यू है इसका थर्ड पर्सन। बहुत ही गजब की नोवेल है दोस्तों। पर्ल का मतलब होता है एक मोती जो समुद्र में पाया जाता है, कुछ इस टाइप का। दोस्तों इसकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग इसके प्लॉट पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव ला पास से, जो कि कैलिफोर्निया में है। इस गांव में दोस्तों कीनो और उआना नाम के दो पति पत्नी आपस में रहते हैं अपने बच्चे के साथ में, एक ब्रश हाउस में। दोस्तों ब्रश हाउस कुछ इस तरह का होता है, इस टाइप का होता है। इनके बच्चे का नाम है कोयोटिटो। दोस्तों ये लोग मैक्सिकन नेटिव अमेरिकन्स हैं, इनकी फैमिली जो है वो मैक्सिकन नेटिव अमेरिकन्स हैं। ये लोग बहुत ही सीधे साधे नॉर्मल से लोग हैं, नॉर्मल से ज़िंदगी जी रहे हैं। अब दोस्तों एक दिन ऐसे ही एक बॉक्स था जिसके अंदर से एक बिच्छू निकला, और सुबह सुबह का टाइम था, ये दोनों पति पत्नी अपना काम कर रहे थे, तो उस बिच्छू ने इनके बेटे कोयोटिटो को काट लिया। तो ये पत्नी उआना समझती थी कि बिच्छू के डंक में कितना जहर होता है, तो इन लोगों ने इमिडिएटली क्या किया, डॉक्टर को बुलावा भेजा, लेकिन डॉक्टर ने इन लोगों के पास आने से मना कर दिया। तो ये लोग खुद डॉक्टर के पास गए और उससे बड़ी रिक्वेस्ट की। डॉक्टर के दरवाजे पर गए तो सर्वेंट ने इनको बोला, डॉक्टर के सर्वेंट ने इन लोगों को बोला कि डॉक्टर बिना पैसे के तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं करेगा, वो अभी बहुत बिजी हैं। लेकिन दोस्तों असलियत में डॉक्टर अंदर बैठा हुआ था, फ्री था, लेकिन फिर भी इन लोगों के बच्चे का इलाज नहीं कर रहा था। डॉक्टर के सर्वेंट ने इन लोगों से कह दिया, कीनो और इसकी फैमिली से, कि डॉक्टर तुम जैसे लोगों को इलाज करना ही नहीं चाहता, बल्कि तुम जैसे लोगों को देखना भी नहीं चाहता डॉक्टर, तो भलाई इसी में है, यहाँ से चले जाओ। अब कीनो को डॉक्टर के इस भेदभाव पर बड़ा गुस्सा आया कि वो डॉक्टर के गेट पर खड़ा था और डॉक्टर अंदर उसका इलाज नहीं कर रहा था उसके बेटे का, तो उसने गेट पर एक मुक्का मारा गुस्से में। अब दोस्तों ये दोनों पति पत्नी कीनो और उआना, ये दोनों अपनी नाव लेकर, छोटी सी नाव लेकर के, डोंगी कहते हैं जिसको, समुद्र में पर्ल की खोज पर निकले। अब इस कीनो ने समुद्र के पानी में डाइव लगाई और समुद्र की गहराइयों में गया तैरता हुआ। वहाँ उसने एक सीप देखा, सीप कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, वो चमक रहा था, अकेला पड़ा था वो सीप। कीनो उस सीप को लेकर के वापस अपनी नाव पर आया, और आकर के उसने उस सीप को खोला तो उसके अंदर क्या देखा उसने, एक बहुत बड़ा मोती, एक बहुत बड़ा पर्ल। इतना सुंदर और इतना बड़ा मोती कि दुनिया में हो ही नहीं सकता ऐसा मोती। अब ये बात जंगल में आग जैसे फैलती है, वैसे चारों तरफ फैल गई टाउन में, कि कीनो को पर्ल मिल गया, कीनो को पर्ल मिल गया। अब ये बात सुनने के बाद कई लोगों को तो इच्छा हुई कि चलो हम भी मोती देख करके आते हैं कि कैसा मोती मिला है कीनो को, लेकिन कई लोगों को कीनो से जलन होने लगी। इस कीनो का एक बड़ा भाई है वन थॉमस, उसने इससे पूछा कीनो से कि तुम अब रिच होने वाले हो, पैसे वाले होने वाले हो, तो तुम्हें जब पैसा मिलेगा तो तुम उस पैसे को क्या करोगे। तो कीनो ने जवाब दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ में, वाना के साथ में, चर्च में शादी करूँगा और नए नए कपड़े लूँगा, एक राइफल लूँगा और अपने बेटे को पढ़ाऊँगा, एजुकेशन दूँगा। ये सब उसने बताई कि ये सब मैं इच्छाएं अपनी पूरी करूँगा। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग कीनो का वो मोती देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, तो गाँव का प्रेस्ट था, गाँव का पुजारी था, वो भी इसके पास आया, इसके ब्रश हाउस में। मतलब ऐसे ऐसे लोग इससे मिलने आ रहे थे जो कभी इसके घर में कदम तक नहीं रखते थे। तो कीनो और उआना को वो बोला, प्रेस्ट बोला कि ये जो पर्ल है ये तुमको गॉड ने दिया है, तो तुमको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, उन्हीं की वजह से तुम्हें ये मिला है ये पर्ल। तो वो प्रेस्ट कीनो को बोलता है कि कीनो मेरे बच्चे आज से तुम चर्च के मेम्बर हो। अब दोस्तों वो डॉक्टर जिसने इसके बेटे का इलाज करने से मना कर दिया था कोयोटिटो का, वो भी ये न्यूज़ सुन करके यहाँ पे आ गया और बोला कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूँगा, कीनो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करूँगा। तो दोस्तों डॉक्टर ने कीनो के बेटे का इलाज शुरू कर दिया, एक घंटे के अंदर उसने जहर को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसका बेटा कोयोटिटो बीमार पड़ गया। मतलब थोड़ा टाइम गुजरा तो वो उसका बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने सेकेंड टाइम जब ट्रीटमेंट किया उसका, कीनो के बेटे का, तो कीनो डॉक्टर से बोला कि आप चिंता मत करो, आपने मेरे बेटे की जान बचाई है,
मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जब मैं इस मोती को बेचने जाऊंगा तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता मत करो। अब दोस्तों उसी रात क्या होता है, इसके घर में बहुत अंधेरा था। ये कीनू जिस घास फूस के घर में रहता है उसमें बहुत अंधेरा था, तो ये सो रहा था। कीनू सोने जा ही रहा था कि इसे एक आवाज़ सुनाई दी, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई चोर चाकू लेकर के इसके घर में घुस गया है पर्ल के चक्कर में, वो पर्ल की चोरी करने आया है। ये कीनू भी बड़ा होशियार था, इसने क्या किया था, वो पर्ल अपने घर के किसी कोने में मिट्टी में दबा दिया था। तो इसको कोई आवाज़ सी आई, तो अब वो पर्ल को बचाने के चक्कर में उस चोर से कीनू की हाथापाई हुई, तो वो जाता जाता अपनी छुरी से कीनू को घायल कर गया। खैर वो चोर तो भाग गया लेकिन मोती बच गया, ये बड़ी बात है। जान तो आती जाती रहती है, मोती बच गया। कीनू की वाइफ वाना को लग रहा था कि ये पर्ल हम लोगों के लिए मुसीबत बन के आया है। अब दोस्तों अगले दिन ये कीनू पर्ल को बेचने निकला, इसके पीछे पीछे इसके पड़ोसी भी चल दिए। पहले डीलर के पास ये गया तो उस डीलर ने उस पर्ल का दाम 1000 पैसोस बताया कि 1000 पैसोस दूंगा तेरे को इस पर्ल के। कीनू के भाई ने कीनू को पहले ही वार्न कर दिया था कि कीनू मार्केट में तो जा रहा है लेकिन बहुत सारे डीलर्स तुझे चीट करने की कोशिश करेंगे, तुझे ठगने की कोशिश करेंगे। तो कीनू ने उस डीलर को मना कर दिया कि नहीं, मैं मुझे मालूम है इसकी ज़्यादा साइज़ है, इसकी साइज़ के हिसाब से इसके ज़्यादा पैसे बनेंगे, तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। तो उस डीलर ने बोला चाहो तो कहीं और ट्राई कर लो। कीनू ने बहुत सारे डीलर से पूछा लेकिन उसे कोई भी नहीं जचा। इसे लगा कि ये सब इसको कम पैसे दे रहे हैं इस पर्ल के, तो इसने फाइनली फैसला किया कि मैं कैपिटल जाऊंगा, ये सब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कैलिफोर्निया की कैपिटल में जाऊंगा और वहां जाकर के इस पर्ल को सेल करूंगा ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिलें। अब दोस्तों उस रात इस पर्ल के चक्कर में कीनू की एक और चोर से हाथापाई हुई, मतलब एक और चोर ने इस पर अटैक किया। तो परेशान होकर के कीनू की वाइफ वाना ने क्या किया, उस पर्ल को वापस समुद्र में फेंकने के लिए ले गई। वो तो कोशिश कर रही थी वो फेंक दे लेकिन पीछे पीछे इसके कीनू आ गया इसका पीछा करता करता, और उसने पर्ल छीन लिया इससे अपनी वाइफ से, और अपनी वाइफ को ज़मीन पर पटक करके बहुत पीटा कि क्या करने जा रही थी। अब दोस्तों इस बात को ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि तीसरी बार कीनू पर अटैक हुआ, किसी चोर ने तीसरी बार कीनू पर अटैक किया इस पर्ल के लिए, लेकिन इस बार कीनू ने अपने अटैकर को मार डाला। मतलब उसकी जब हाथापाई हुई अपने अटैकर के साथ में, तो गलती से कीनू ने उसका मर्डर कर दिया। अब ये एक मर्डर का गिल्टी था, तो ये दोनों पति पत्नी ने टाउन छोड़ना ही बेहतर समझा कि अब हमको ये टाउन छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब कीनू अपनी नाव तैयार कर रहा था टाउन छोड़ने के लिए, लेकिन उसने क्या देखा कि उसकी नाव में किसी ने छेद कर दिया है, नीचे बॉटम की तरफ नाव का जो तला होता है उसकी तरफ किसी ने छेद कर दिया। अचानक इसने अपने घर की तरफ देखा तो इसके घर में आग लग गई। तो अपने घर को जलता देख करके कीनू ने सबसे पहले तो अपने भाई की जान बचाई, उसको घर से बाहर निकाला, और रात के टाइम पर ये सारे के सारे, इसकी फैमिली और ये सारे के सारे नॉर्थ की तरफ भाग गए वो गांव को छोड़ करके। लेकिन गांव से भागते हुए कुछ लोगों ने इनका पीछा करना शुरू किया, फिर कीनू की पूरी फैमिली एक माउंटेन साइड में एक गुफा बनी हुई थी उसमें जाकर के छुप गए। अब दोस्तों वो लोग जो इनका पीछा कर रहे थे वो भी इसी गुफा में आए रेस्ट करने के लिए। रात का टाइम था, गुफा में झक अंधेरा, बिल्कुल एकदम काला काला था सब कुछ, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में कीनू की उन लोगों से हाथापाई हुई, उन लोगों ने कीनू पर अटैक किया, कीनू ने उन लोगों पर अटैक किया। अब ऐसे में राइफल चल गई और इसका बेटा जो था कीनू का कोयटिटो, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। कीनू ने उन सारे लोगों को मार दिया जो लोग इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इस बीच कीनू के बेटे कोयटिटो को गोली लग गई और वो बेचारा वहीं मर गया। अब दोस्तों इस नोवेल की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये कीनू और उआना ये दोनों अपने बेटे को लेकर के साथ साथ वापस अपने गांव में आ गए, अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर के जो कि उआना ने अपने कंधे पर लटका रखी थी और शॉल से ढकी हुई थी उसकी डेड बॉडी। और एंड में इस कीनू ने क्या किया, शाम का टाइम था, सूरज ढल रहा था, कीनू समुद्र के किनारे खड़ा था, उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसमें से अपना मोती बाहर निकाला और आखिरी बार उस मोती को देखा। मोती को देख वो देख भी नहीं पा रहा था उस मोती को, क्योंकि वो मोती ही उसकी सारी परेशानियों की जड़ था। उसने वो मोती वापस समुद्र में फेंक दिया। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।